नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। देहरादून स्थित एक हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम ने लोगों को किडनी में होने वाली स्टोन की समस्या से बचाव के उपाय बताए। यही नहीं, वर्तमान समय में बढ़ रही हड्डियों में कैल्शियम की कमी को लेकर किस प्रकार दूर किया जाए इसकी जानकारी देकर लोगों को जागरूक भी किया। बता दें कि देहरादून रोड स्थित एक होटल में लोगों को किडनी के स्टोन से बचाव के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ लायंस क्लब ऋषिकेश देवभूमि के चार्टर अध्यक्ष गोपाल नारंग और डॉक्टरों की टीम ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर लोगों को जागरूक करते हुए बीमारियों से बचाव के उपाय बताए गए। धनौरी पुलिस ने होली के पर्व को लेकर चौकी में गणमान्य लोगों के साथ बैठक की। बैठक में धनौरी चौकी प्रभारी यशवंत सिंह खत्री ने कहा, सभी गणमान्य लोग क्षेत्र में त्योहारों के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में पुलिस प्रशासन की मदद करें और इस बीच शरारती तत्वों की सक्रियता की सूचना हो तो तत्काल पुलिस को दें। बैठक में उन्होंने लोगों से क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की। लक्सर तहसील परिसर में भूलेख संवर्गीय कर्मचारी महासंघ और लेखपाल संघ के कर्मचारी 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार पर बैठ गए। इनकी मांग है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी को दिया जाता है वो न्याय उचित नहीं है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि जो प्रशासनिक अधिकारी और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का प्रमोशन तहसीलदार और नायब तहसीलदार पद पर किया जा रहा है वो तर्कसंगत नहीं है, इससे हमारी वरिष्ठता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जो सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन किए हैं वो हमारी सीनियरिटी को दरकिनार करते हुए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको तहसीलदार और नायब तहसीलदार लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं, जिससे हमारी सीनियरिटी प्रभावित हो रही है। हमारा जो हम आज 2 दिन के कार्य बहिष्कार पे हैं केवल इसी बात के लिए हैं कि सीनियरिटी को उत्तराखंड लेखपाल संघ का जो है 2 दिवसीय आज से जो है उनका कार्य बहिष्कार है। वो अपनी कुछ मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं जो कि प्रदेश स्तरीय है। इसमें हम लोग जो है जो उनके स्तर के काम हैं फिलहाल वो तो प्रभावित हो ही रहे हैं, लेकिन जो भी जो हमारे लेवल पर हो सकते हैं तहसीलदार यहाँ पर हैं और हम हैं, क्योंकि नायब तहसीलदार भी हमारे बीमार हैं, तो ऐसी दशा में हम लोग जो है अपने स्तर पर ही काम कर रहे हैं। रंगों का पर्व होली की शुरुआत हो चुकी है। होलाष्टक से ही पिथौरागढ़ के होली चौक में चीर और ध्वज बांध दिए गए हैं, जहां पिछले कई सालों से पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ ही होली का त्यौहार शुरू किया जाता है। बता दें 1832 से शुरू हुई ये होली आज भी पिथौरागढ़ में उसी स्थान पर परंपरा और गायन के साथ मनाई जाती है जहां इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पर हर समुदाय के लोग इसमें शामिल होकर भाईचारा की मिसाल देते हैं। इस होली का प्रारंभ जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है 1832 में इसकी स्थापना हुई है और इस होली को हम हाट कालिका की स्तुति से जोड़ते हैं और अष्टमी के दिन यहाँ और हाट कालिका में कालिका की स्तुति के साथ ये प्रारंभ होता है। उसका पूजा अर्चना विधिवत हो करके इसका शुभारंभ किया जाता है। यहाँ पर मुसलमान खासकर मुसलमान भाई लोगों ने जितना सहयोग दिया है वो तारीफ के योग्य है और धर्म के लोग भी यहाँ पर आके ये पूरी होली खड़ी होली के रूप में मनाई जाती है और चीर बंधन होता है। चीर पेड़ कहीं दूर जंगल से लाया जाता है, उसे काट के यहाँ पर को लगाया जाता है, उसके चारों तरफ खड़ी होली के रूप में सामूहिक रूप में गायन किया जाता है। भारत माँ के वीर सपूत भगत सिंह के शहीद दिवस पर उनका भावपूर्ण स्मरण किया गया। मौके पर नगर निगम स्थित परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ, जिसमें शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान भगत सिंह अमर रहे के नारे भी लगाए गए। बता दें यूथ कांग्रेस हर साल कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों तक भगत सिंह की कुर्बानी से संबंधित संदेश पहुँचाने का प्रयास करता है। यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव जगजीत सिंह ने कहा कि भगत सिंह के जैसा जुनून आज युवाओं में होना जरूरी है, जिससे कि युवा शक्ति देश के विकास में अपना अहम योगदान दे सकें। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की लिखी हुई किताब खाकी में इंसान पर तीर्थ नगरी में बुद्धिजीवियों ने परिचर्चा की। लोगों ने किताब में लिखे गए विवरण की जमकर सराहना करते हुए खाकी का सम्मान करने का संकल्प भी लिया। आपको बता दें कि इस दौरान डीजीपी ने बताया कि खाकी के अंदर काम करने वाला भी इंसान ही है, जो ड्यूटी करते वक्त खाकी के नियमों में बंधा हुआ है।
रुड़की के गोविंदपुर गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर तहसील परिसर पहुंचे और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। सभी ग्रामीण गांव में हो रहे अवैध कब्जे को लेकर नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने एएसडीएम पूरन सिंह राणा से मिलकर गांव से कब्जा हटाने की मांग की। बता दें कि रुड़की तहसील के गाँव गोविंदपुर में कुछ दबंग लोग ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा इसकी शिकायत पहले भी एएसडीएम से की गई थी, जिसके बाद लेखपाल ने जांच कर अपनी रिपोर्ट दी थी कि अवैध कब्जा हटा दिया गया है, जबकि मौके से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया था। यह है कि ग्राम गोविंदपुर वाजिदपुर में ग्राम समाज की जमीन है जिस पर अवैध कब्जा, ये जब से हमारे पदाधिकारियों के संज्ञान में आया है, ये हमारे नीरज भाई खड़े हुए हैं और मीनाज भाई और खड़े हुए हैं, इन सब के संज्ञान में जब से मामला आया है लगातार एसडीएम साहब से ये एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, मिल भी रहे हैं कि अवैध निर्माण हटाया जाए। अवैध एसडीएम मैडम ने लिख दिया कानून को साहब को, कानून को साहब ने पटवारी साहब के पास आख्या भेज दी, पटवारी साहब आख्या में लिखते हैं कि कब्जा हटा दिया गया है, जबकि कब्जा वहाँ पर लगातार मौजूद है। उस आदमी ने लेंटर भी डाला है एप्लीकेशन के बाद, लेकिन ये गुमराह कर रहे हैं कि कब्जा हटा दिया गया है, ये शासन को गुमराह कर रहे हैं और प्रशासन को भी गुमराह कर रहे हैं। नहीं देखिए, प्रकरण मेरे संज्ञान में आज आया है और एक तो इमीडिएटली मौके में किसी प्रकार का कोई निर्माण फर्दर ना हो तो उसने पुलिस को डायरेक्शन दे दी है कि मौके में यथास्थिति बनी रहेगी। और अगर डाउट्स है लोगों का ये कहना है कि वो जमीन ग्राम समाज की है और तो उसको प्रॉपरली एक बार चेक करवाया जा रहा है, अगर प्रॉपरली पहले जाँच नहीं हुई है तो इसी तरफ से दिखाया जा रहा है और बिल्कुल भी गवर्नमेंट की जो लैंड है उस पर किसी को इंक्रोचमेंट करने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और बीजेपी सह प्रभारी रेखा वर्मा द्वारा उत्तराखंड सरकार का सरकारी हेलीकॉप्टर का प्रयोग किए जाने और मदन कौशिक को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने पर आप नेता रविंद्र जुगरान ने एक बयान जारी करते हुए इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आप नेता ने इसे सरकारी धन की बर्बादी का मामला बताया है और कहा है कि जनता की गाढ़ी कमाई से बीजेपी अपने संगठन के लोगों को हवाई यात्रा करवा रहा है। बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है कि जनता की सरकारी खजाने का जो हमारा खजाना है, जनता का खजाना है, उत्तराखंड के आम आदमी का खजाना है, उस पर कैसे डाका डाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी सरकारी हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर रहे हैं, कौन से अधिकार से, कौन से नियम से ये डाका ही तो डाल रहे हैं जनता की कमाई पर, सरकारी खजाने पर। दूसरा, फिर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, लगता है उस जिले के जो कप्तान हैं या जो पुलिस के अधिकारी हैं या जो वहां पर मौजूद थे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिनको जिन आला अधिकारियों को ये नहीं मालूम है कि गार्ड ऑफ ऑनर प्रोटोकॉल में किसको देना चाहिए। हर 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत राजधानी देहरादून में 19 मार्च से ही लगातार समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से रोग विभाग द्वारा अलग अलग तरह से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पत्रकारों के साथ टीवी रोग से संबंधित जानकारी साझा करने के उद्देश्य से संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के प्रसिद्ध लोक गायक प्रीतम भरतमान ने भी हिस्सा लिया। इसके लिए हम कई दिनों से कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी पिछले दिवस हमने विभिन्न धर्म गुरुओं को, क्योंकि मेरा ये मानना है कि समाज में धर्म गुरुओं का अपना बहुत सर्वोच्च स्थान होता है, उनकी कही भी बात को उस धर्म वाला अनुयायी उसका जो है पत्थर की लकीर मानता है, तो उनके माध्यम से भी हमने जो है ये बात कहलवाई है। और आज हमने आदरणीय श्री प्रीतम भरतमान जी, जो कि लोक गायक हैं और स्थानीय व्यक्ति हैं, तो उनको भी हमने आज अनुरोध किया था कि वो अगर स्वीकार करेंगे हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे उसमें हम भी कार्रवाई करेंगे। काशीपुर में मंडी गेस्ट हाउस में भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों और सदस्यों ने किसान संगठनों से 26 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया, साथ ही बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें किसानों के महानगर कांग्रेस कमेटी के सदस्य गण भी मौजूद रहे। बता दें किसानों ने भारत बंद को लेकर संशोधन करते हुए काशीपुर के जेल रोड से मुख्य बाजार होते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ पैदल विरोध प्रदर्शन करने का मन बनाया है। मुझे लगता है सारा का सारा परिवार जितना है पूरा कांग्रेस का भी रहेगा, किसान भाई भी रहेंगे और इसको हमने कोई राजनीतिक पंच नहीं देना, ना कोई राजनीतिक कारण है। ये केवल किसान भाइयों की जो मांग है, जो हम केंद्रीय सरकार से कर रहे हैं कि उनकी मांगें पूरी करी जाएं, तीनों जो किसान विरोधी कानून है उनको तत्काल प्रभाव से निरस्त करा जाए। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।